हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी के वीएस एनवीएस यूपीएलटी ग्रेड सभी स्टेट की टीजीटी पीजीटी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज होते हैं, जिसमें आपका थ्योरी सेक्शन अलग से एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए गए हैं। तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी को आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सभी स्टेट के टीजीटी पीजीटी और सभी स्टेट की परीक्षाओं यानी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिकल एजुकेशन की जो सिलेबस होती है वो सेम होती है। एंड यदि अभी आपका फिलहाल में एमपी टेट वर्ग वन व वर्ग टू का पेपर बहुत ही जल्द है, जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आप जुड़िए मेरे चैनल पर, वही आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं समय नष्ट न करते हुए प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है, आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। तो दोस्तों, आदर्शवाद आइडियोलॉजी में जो दर्शन है, इसके प्रवर्तक प्लेटो है। इसका उद्देश्य है सत्य, सत्य सुंदरता और अच्छाई। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के पिता है। तो मनोविज्ञान के पिता है विलियम वुड, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक है। जो एक शारीरिक शिक्षा का शिक्षक है आजकल आवश्यक रूप से क्या है, वो एक निर्देशक निर्देशदाता है कि एक गति शिक्षक है कि एक अभ्यास मास्टर है। तो यह सभी है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को विकसित किया था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी को दिया था सिगमंड फ्रायड ने, और सरपस एनर्जी थ्योरी भविष्यदर्शी की धारा अतिरिक्त शक्ति की धारा दिया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने, और भविष्यदर्शी की धारा कार्ल ग्रूस ने, सामाजिक धारा अरस्तु ने, अर्वेचर विचर धारा अरस्तु ने, एंड पुनः अवलोकन धारणा स्टेनली हॉल ने दिया था, और मनोरंजनात्मक धारणा केम्स और पैट्रिक ने दिया था। यही सब आपको याद रखना है, जैसा कि मैं फिर सेशन में इस सब के बारे में डिटेल में बताई हूं। नेक्स्ट है, किसके अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है? तो अठारहवीं सदी में ऐसा कहा गया कि 18वीं सदी के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को कहते हैं, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान को कहा जाएगा तो व्यवहार का विज्ञान। लेकिन सबसे पहले विज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर आधुनिक रूप में उसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, आपको देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस थ्योरी, इसको मैकडूगल ने दिया है, ये राइट है। रिकैपिटुलेटिव थ्योरी यानी पुनः अवलोकन धारणा जो है वो स्टेनली हॉल ने दिया है, ये भी सही है। पैथेटिक थ्योरी यानी कि रेचन विरेचन धारणा, इसको अरस्तु ने दिया है, ये भी सही है। ये है आपका सरपस एनर्जी थ्योरी यानी शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत जो है,
ये आपका अतिरिक्त शक्ति की थोड़ा सरप्लस एनर्जी थ्योरी के दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। यहाँ पे यही आपका गलत हो जाएगा, कौन सा वेलिड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन लाउथर का। किसका है? जॉन लाउथर का। नेक्स्ट है प्रयोगवाद का शिक्षा के प्रयोग में क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो दोस्तों प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जॉन डीवी ने। और प्रयोगवाद जिसको व्यवहारवाद भी कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं, रियल प्रैक्टिकली भी कहते हैं, तो जो प्रयोगवाद है यह अनुभव को मेन मानता है। किसको मानता है? प्रैक्टिस को, अनुभव को मेन चीज मानता है। तो इसको शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो जॉन डीवी ने। इसके प्रवर्तक भी है जॉन डीवी। नेक्स्ट है खेल क्रिया से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया था? तो वो थे आपका प्लेटो। युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण को सशक्त बनाने का काम किया था प्लेटो ने। ये शब्द आ जाए तो आप जान लीजिएगा कि प्लेटो की परिभाषा है। परिभाषाओं के बारे में जानने के लिए आप सारे शिक्षा के परिभाषा अर्थ वाले वीडियोज को जाकर देखेंगे तो सभी प्रकार की परिभाषाओं को आप स्पष्ट रूप से जान लेंगे ट्रिक के साथ। नेक्स्ट है शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया? तो शरीर और मन का संबंध सबसे पहले विकसित किया, घोषित किया प्लेटो ने। नेक्स्ट है कि व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है। तो दोस्तों व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं लर्निंग, यानी कि सीखना। ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार व्यवहार में परिवर्तन ही वृद्धि ही क्या है? सीखना है। नेक्स्ट आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। आप भूल से भी कोई दूसरा ऑप्शन मत लगाइएगा। जैसे कि दोस्तों मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर आधुनिक युग में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो ये आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट संतोष का नियम संबंधित है। तो संतोष असंतोष का नियम जो है वह प्रभाव के नियम से संबंधित है। जैसे कि थर्नडाइक ने सीखने के तीन मुख्य नियम बताए हैं। इन्होंने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं, अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, प्रभाव के नियम को संतोष असंतोष या पुरस्कार और दंड का नियम भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर ने चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो दोस्तों जैसे कि थर्नडाइक ने तीन सीखने का नियम दिया है, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम सीखने का नियम है, क्योंकि प्रतिक्रिया का नियम यह नहीं है। नेक्स्ट है थर्नडाइक के परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था?
इन्होंने तीन सीखने के नियम को प्रतिबद्ध किया था, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मनोविज्ञान वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान अध्ययन है, तो किसका अध्ययन है बेटा, तो इस समय है मानव व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट है टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन के प्रशिक्षक का स्थानांतरण किसका उदाहरण है। तो दोस्तों टेनिस में आप फोर हैंड ड्राइव लगा रहे हैं, वो सीखे हैं, तो उस क्रिया का टॉप स्पिन के प्रशिक्षक में स्थानांतरण हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। किसको कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण। जैसे कि सीखने का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्यात्मक। सकारात्मक वो होता है जो पहले से सीखी गई क्रिया दूसरे कार्य में सीखने में सहायता करे, वो सकारात्मक है। जो पहले से सीखी गई क्रिया दूसरे कार्य में सहायता न करे, ऋणात्मक प्रभाव डाले, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। और जिसमें न तो ऋणात्मक प्रभाव डाले न तो सकारात्मक प्रभाव डाले सीखने में, उसको कहते हैं शून्यात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। इस बात को किसने कहा है, इस बात को कहे हैं क्रो एवं क्रो ने। किसने कहा इस बात को, क्रो एवं क्रो ने। नेक्स्ट है सीखना प्रभावित होता है किसी, दोस्तों प्रेरणा से। सीखना सबसे ज्यादा प्रभावित होता है प्रेरणा से। आपके अंदर जितना ही प्रेरणा होगा आप उतना ही अधिक सीखेंगे, जितना ही मोटिवेशन होगा उतना ही अधिक सीखेंगे, प्रेरित रहेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, कि बालक को समझने में, कि शिक्षा विधियों को चयन में, कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, इसको प्रतिपादित किया था कोहलर ने। अब किस पे इन्होंने प्रयोग किया था, चिंपैंजी वॉर्स, सुल्तान बाबर चिंपैंजी पर। नेक्स्ट है गामक कौशल मोटर स्किल सीखने का उत्तम ढंग है, तो मोटर स्किल सीखने का सबसे उत्तम ढंग है दोस्तों अभ्यास यानी प्रैक्टिस। नेक्स्ट है सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थिति में उपयोग किया जाना कहलाता है, तो जो आप पहले से सीखी गई क्रिया है दूसरे कार्य करने में उपयोग कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं अधिगम स्थानांतरण यानी सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट है कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, तो दोस्तों कक्षा वातावरण में लिखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन। नेक्स्ट है सीखना यानी लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पे, आयु पर, कि अनुवांशिकता पर, कि शारीरिक गठन पर, कि किस पे, तो यह मुख्य रूप से निर्भर करता है परिपक्वता पर, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान अध्ययन है किसका अध्ययन है, यह मानव व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट है कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था, यानी कि अनुबंधन सिद्धांत का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो पावलोव ने किया था, इन्होंने अपने सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो अनुकूलन सिद्धांत, प्राचीन अनुकूलन सिद्धांत कहेगा तो पावलोव, अनुकूलित अनुक्रिया, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बोलेगा तो स्किनर। नेक्स्ट है गहन अध्ययन का घटक है, तो गहन अध्ययन का घटक है पर्यावरणीय मांग, जिस प्रकार का आप पर्यावरण मांग करेगा उस प्रकार का आप गहन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है गहन अध्ययन का थार्नडाइक नियम है, तो वह प्रभाव का नियम,
जैसे कि थॉलडॉइक ने तीन मुख्य नियम दिए हैं सीखने के, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इसमें से सबसे प्रभावशाली, सबसे ज्यादा उसको महत्व दिया गया है प्रभाव के नियम को। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा, शिक्षक के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों मॉडल द्वारा, किसी मॉडल को देखकर, किसी चित्र को देखकर, किसी चीज को देखकर आप कल्पना शक्ति का ज्यादा विकास होता है। नेक्स्ट है अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। तो अभ्यास के नियम का आविष्कार किया था किसने, थॉलडाइक ने। या सीखने के नियम के मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रशिक्षण का स्थानांतरण। नेक्स्ट है सीखना प्रभावित होता है। तो सीखना सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मोटिवेशन से, यानी प्रेरणा से। जितना अधिक आप में प्रेरणा होगा उतना अधिक आप कार्य को सीखेंगे। नेक्स्ट है पुरस्कार या दंड सीखने के किस नियम के प्रतिरूप है। तो दोस्तों यह प्रभाव के नियम के प्रतिरूप है। जैसे कि थॉलडाइक ने तीन सीखने के नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, जैसे कि आप कोई खेल खेल रहे हैं उससे पहले आप वार्मिंग अप करते हैं, तो ये वार्म अप यानी कि तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहा जाता है, यानी पहले से तैयारी करना अगले स्टेप के लिए। दूसरा नियम दिया है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, यानी कि जिस चीज का, जिस अंग का, यदि आप जिस अंग का उपयोग ज्यादा करेंगे वो ज्यादा प्रैक्टिस उसमें हो जाएगा, ज्यादा अनुभव हो जाएगा। अगर जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा, चला जाएगा। अप्रभाव का नियम मतलब पुरस्कार या दंड का नियम। यदि कोई बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको आप पुरस्कार दे देते हैं तो सीखने में और ज्यादा तत्पर हो जाता है। दंड देंगे तो वो निराश कुंठित हो जाता है, इसलिए इसको पुरस्कार या दंड का नियम या संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं प्रभाव के नियम। नेक्स्ट है कक्षा दो के बच्चे को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति उपयुक्त होती है। तो कक्षा दो के बच्चों को अगर पीटी सिखा रहे हैं तो कौन सा विधि सबसे अच्छा होगा, अनुकरण विधि, यानी कि बच्चा देख कर सबसे ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। तो उसने बंदर और चिंपैंजी पर किया था, वो भी सुल्तान नामक बंदर पर, चिंपैंजी पर। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों तो इस सिद्धांत को दिया गया था थॉलडाइक के द्वारा। इन्होंने ये प्रयोग बिल्ली पर किया था। सभी के सिद्धांतों को जानने के लिए आप सीखने के सिद्धांत के वीडियोज को देख सकते हैं। नेक्स्ट है सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या याद करे। भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको कहे हैं क्रो एवं क्रोने। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, कि शिक्षण विधियों के चयन में, कि बालक को समझने में। तो यह आपका संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। नेक्स्ट है सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यह अधिगम का स्थानांतरण यानी सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो कक्षा वातावरण में सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन। नेक्स्ट है स्किनर के द्वारा सीखने के संबंधित दी गई परिभाषा क्या है। इन्होंने परिभाषा दी है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है। तो सीखने का स्थानांतरण का सिद्धांत है समान तत्वों का सिद्धांत, इसको भी दिया है थॉलडाइक ने। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम को और किस नियम के नाम से जाना जाता है। तो अभ्यास को नियम को उपयोग अनुपयोग के नियम के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह पूछेगा कि तत्परता के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो तैयारी के नियम
के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह पूछेगा कि प्रभाव के लिए कौन किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पुरस्कार दंड या संतोष असंतोष के नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। सीखने का मतलब यादाश्त, यानी कि आपको याद हो गया, आप उसको सीख गए, उसको हम उसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है यादाश्त। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे जुड़ जाइए और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।